एवरीवन कैसे हैं आप। मैं नेहा दमाया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको झंडू ब्रांड के व्याग्री हरित की अवलेह के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि यह औषधि आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस झंडू ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में इनके प्रोडक्टों की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। ये गाइस अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है जो कि केमिकल फ्री होते हैं, उस वजह से इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण लोग बाग बिना किसी कन्फ्यूजन के इनके प्रोडक्टों को परचेज कर लेते हैं। ये गाइस न केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है बल्कि आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्टों का भी निर्माण करता है। आधे से ज़्यादा मार्केट इसने अपने प्रोडक्टों से घेरा हुआ है। काफ़ी सस्ते अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाता है। लोग बाग इस ब्रांड से बहुत अच्छे से अवगत भी हैं और इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको इस ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू किया है। तो चलिए गाइस आज अपन इसी ब्रांड के व्याग्री हरित की अवलेह के बारे में बात कर लेते हैं। यह औषधि जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको झंडू ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इस औषधि का उपयोग गाइस आपके बार बार साइनस की प्रॉब्लम या फिर जुकाम खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या को दूर करने में किया जाता है। गाइस अगर आपको अस्थमा जैसी कोई भी परेशानी है, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस उखड़ती है, या फिर आपको जुकाम खांसी या कफ जैसी कोई भी समस्या है, तो उस स्थिति में आप व्याग्री हरित की अवलेह का इस्तेमाल कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ मिलकर बनी होती है। इसमें कम से कम 10 प्रकार के औषधीय वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है जो आपके सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर करने का काम करती है। इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो चलिए अपन इसके इन्ग्रीडियंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। इसके अंदर गए इस इन्ग्रीडियंट के रूप में छोटी इलायची, नाग केसर, शहद, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, पिपली, सौंठ, गुड़, हरित की कंटकारी बराबर मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके जुकाम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का काम करते हैं। अगर आपके सांस की बीमारी है, हिचकी है, सूजन के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी अन्य प्रकार के इसमें इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो आपके सभी दिक्कतों को दूर करते हैं, जैसे उल्टी आना, चक्कर, खाना नहीं पचता है, या फिर पेट संबंधी जो भी विकार हैं उनको ख़त्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। और गाइस इसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना होता है, खाना खाने के बाद, या फिर आप डॉक्टर की सलाह से भी इसकी खुराक को निर्धारित कर सकते हैं। गाइस अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या पहले से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस औषधि को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा को नहीं लेना चाहिए। खासतौर से गर्भवती महिला को तो किसी भी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से इसको परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन इसकी साइट पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। जैसा आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो वैसे आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। रिसर्च के आधार पर इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन खुराक से ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन करते हैं तो इसको आपको कोई भी हानिकारक साइड इफेक्ट हो सकता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या से परेशान है तो रामबाड़ औषधि ले आइए जो आपके सभी प्रकार की सांस लेने की दिक्कतों को दूर करने का काम करेगी। सो गाइस धन्यवाद।